Hello students, now today I will take up chromosome, that is also an important part in genetics. Now what is chromosome? Chromosome is very important part in living organism because it contains genetic material, especially genetic material is DNA, most of cases. Now let us start this topic, that is chromosome. In this 18th lecture, chromosomes. First of all, the discovery of chromosomes, that is given by Hoffmeister. These are found in nuclear filaments in the pollen mother cell of Tuscansia in 1848. After that, these nuclear filaments are called chromosomes by this scientist, that is Valthier, in 1858. That is about contribution of the scientists regarding the chromosomes. Now let us start the structure of chromosome. I have drawn here the structure. Let us see that structure. As you know that when you studied about the chromatin, when crossing over takes place, each chromosome has this type of chromatid. Now what is the difference between chromatid and chromosomes? Generally, chromatid is also part, that is a part of chromosomes. What happened? In initial stage of cell division, there is an interphase, the chromosome are very long, elongated structure. At the time of cell division, when we enter in polyteen or zygotene at stages, then it gets shortened and then we call it and show that at S phase it show duplication. At that time the chromosome seen like this, okay, and very clear chromosome seen in metaphase stage. You can count the number at metaphase stage. Now let's start the structure. अब इसमें होता क्या है, जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, एस्पेशली दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. अब यहां पर सबसे पहले मैं यहां से चलूंगा, दैट इज क्रोमोनीमा. नाउ व्हाट इज क्रोमोनीमा? यहां पर मैंने लिखा है क्रोमोनीमा. क्रोमोनीमा होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. डीएनए कैसा है? डबल एक्स राउंडेड, इस तरह से ये डीएनए है पूरे का पूरा. ये क्या है, यहां पर आपको डीएनए शो हो रहा है इस तरह से, ये डीएनए है, ठीक है. तो ये पूरे का पूरा जो डीएनए है, क्रोम इज कलर्ड, नीमा क्रोमो नीमा, ठीक है ना. कलर्ड फिलामेंट है ये, लंबे लंबा फिलामेंट है, लंबा सा फिलामेंट है, कलर्ड फिलामेंट है. किसके अंदर है ये? क्रोमोजोम्स के अंदर है, ठीक है. ये कलर फिलामेंट प्रेजेंट, लॉन्गेट कलर फिलामेंट और कॉइल्ड कलर फिलामेंट, दैट इज कॉल्ड क्रोमोनीमा. जब इस क्रोमोनीमा के ऊपर क्या लग जाता है, ये स्पॉट्स आ जाते हैं, ऐसे ऐसे स्पॉट्स है. देखो डार्क कलर के स्पॉट्स मैंने दिखाए हैं यहां पर, आपको दिख रहे हैं ये, दीज आर द स्पॉट्स और ग्रेन्यूल्स, ऐसे राउंड ग्रेन्यूल्स है ये. जब इस क्रोमोनीमा में ग्रेन्यूल्स लग जाते हैं तब इसको हम बोल देते हैं क्रोमोमियर. कलर्ड मियर मतलब ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स कलर्ड है, कलर्ड ग्रेन्यूल्स, इस तरह से पूरे क्रोमोसोम में. तो क्रोमोनीमा हो गया और क्रोमोमियर हो गया. आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू, ये बिल्कुल क्लियर यहां पर शो हो रहा है. अब ये दो आर्म्स है, एक ये वाली आर्म और एक ये वाली आर्म, इन दोनों आर्म्स को या ये आर्म्स, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोटेड बोलते हैं, ठीक है ना. जब ये शॉर्टेंड हो गया क्रोमोसोम तो इसको क्या बोल दिया हमने, इन आर्म्स को क्रोमोटेड बोल दिया. अब जो ये क्रोमोनीमा और क्रोमोमियर है, इसके बाहर एक कवरिंग आपको दिख रही है जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, दैट इज द कवरिंग अराउंड दैट क्रोमोनीमा एंड क्रोमोमियर ऑल ओवर. That covering is made up of special type of protein, that is, and this covering is known as pellicle. इस covering को क्या बोलते हैं? Pellicle बोलते हैं.
यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो दोनों आर्म्स है, ये आर्म, ये आर्म या ये आर्म, ये आर्म, एक सेंटर में एक राउंडेड बॉडी है, ग्रेन्यूल्स है, सेंटर मियर, सेंट्रोमियर, सेंटर का ग्रेन्यूल, ठीक है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, इससे अटैच रहते हैं ये, ठीक है। अब सेंट्रोमियर का क्या काम है, स्पेशली जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, हमेशा याद रखना, ये मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जहां ये ग्रेन्यूल्स हैं, सेंट्रोमियर है, तो यहां पर एक स्पेस बन के अंदर को धस गया वो उस पर, इसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो ये कौन सी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये जो स्पेस है यहां पर अंदर पेलिकल जहां कवरिंग है उसके अंदर डीएनए और स्पेस बचा व्हाइट कलर का, इसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक और कंस्ट्रक्शन होती है यहां पर, सभी क्रोमोसोम्स में नहीं होता ये, किन्हीं किन्हीं क्रोमोसोम्स में ये कंस्ट्रक्शंस अपीयर हो जाती है, कब, जब यहां पर एक और राउंडेड बॉडी आ जाती है, ठीक है, जैसे सेंट्रोमियर था ऐसी राउंडेड बॉडी आ जाएगी और इस अंदर को धस जाएगा, तो इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से एक और छोटी सी आर्म निकलती है क्रोमोसोम की, ये देखो ये वाली आर्म निकलती है, यहां भी इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म है, इस आर्म को हम सैटेलाइट बोलते हैं या सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, या इसको और क्या बोलते हैं, एक और नाम है एनओआर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या मतलब इसका, यह मैं अभी समझाऊंगा आपको। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज्ड रीजन का मतलब होता है जो ये सैटेलाइट है, ये देखो यहां पर मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने की कोशिश की है, सेट क्रोमोसोम हमने इसको बोल दिया, ठीक है। दिस इज द पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टीपल चॉइस और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, व्हाट सेज दैट, जीन्स फॉर राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस, यहां पर इस सेट क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं क्योंकि डीएनए का पोर्शन है इसके अंदर, तो जीन्स तो नेचुरली होंगे, वो जीन्स किसके लिए है, राइबोसोम बनने के लिए और न्यूक्लियोलस बनने के लिए, किसको बनने के लिए, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम, तब इसको नोर बोला जाता है, एनओआर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन की, यहां पर क्या बनता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यहां पर न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए क्या है, यहां पर जीन्स प्रेजेंट है, और किस लिए जीन प्रेजेंट है, राइबोसोम बनने के लिए जीन्स प्रेजेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और क्या करता है, इट हेल्प्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या सेट क्रोमोसोम हेल्प करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, कैसे हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो आपको मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट, या मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट क्या, ऐसा बेस पेयर जिसमें रिपीटेड सेगमेंट होते हैं, मान लो टी 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 टी, बड़ी लंबी चेन होगी लगातार सेम टाइप के बेस पेयर की, अगर वो छोटा है रिपीटेड सेगमेंट है तो वो मिनी सैटेलाइट, बहुत बड़ा है तो मैक्रो सैटेलाइट, और उसे छोटा है तो माइक्रो सैटेलाइट है, तो हमारे को माइक्रो या मिनी सैटेलाइट की जरूरत होती है, तो वो कहां से मिलते हैं, हमारे को सैटेलाइट क्रोमोसोम से मिलते हैं, क्योंकि वहां पर रिपीटेड सेगमेंट है, और उसका यूज कहां करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसा बोलते हैं माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट कहां प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में मैं डिटेल में लूंगा, परंतु है क्या न्यूक्लियोसोम्स, देखो होता क्या है, अब आपने बोला कि ये वाला आपका डीएनए, जब ये डीएनए है, ठीक है, कॉइल्ड है, इसमें कुछ स्पेशल बॉडीज लगी, ग्रेन्यूल्स लगे हैं ऐसे, वो ग्रेन्यूल्स है क्या एक्चुअल है, दीज ग्रेन्यूल्स आर न्यूक्लियोसोम्स, ये देखो ना, ये मैंने ऐसे बना दी और यहां पर ये ग्रेन्यूल्स लगे हैं, ये है, ये है, ये है, ये जो ये देखो यहां पर इसको आप शो कर सकते हैं, ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स इसमें लगे, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या है, दीज आर न्यूक्लियोसोम्स। अब न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, एक्चुअली न्यूक्लियोसोम्स आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए लिंकर। नाउ व्हाट इज हिस्टोन प्रोटीन, जस्ट ये प्रोटीन है एक तरह का,
ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रोटीन कैसे होते हैं, एक दो तीन चार, चार इसके पीछे एक यहां पर, इस तरह से एक राउंडेड बॉडी बनाते हैं गोल, पर डिटेल में कल बताऊंगा, गोल बॉडी बनाते हैं और उसके चारों ओर ऐसे हेलिक्स करके ऐसे ऐसे घूम के क्या लगता है उसमें डीएनए लगता है। तो ये डीएनए इधर से आ जाएगा, इधर से यहां फिर हमारे पास न्यूक्लियोसोम आ जाएगा, फिर उसमें राउंड करेगा, फिर यहां पर न्यूक्लियोसोम आ जाएगा, इसमें राउंड करेगा, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है ये डीएनए का पोर्शन, इसको लिंकर बोलते हैं। तो ये क्या, डीएनए लिंकर है। तो ये सारे के सारे क्या हमारे इसमें स्पॉट स्पॉट जो दिखाए हैं, ग्रैन्यूल्स जो दिखाए हैं, वो न्यूक्लियोसोम है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आपका एक और चीज बताना भूल गया, जो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, देखो यहां पर कैप जैसी लगी, यहां पर कैप जैसी लगाई है मैंने, यहां पर भी कैप जैसी, यहां पर ये क्या है, ये टीलोमियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट टीलोमियर, टीलो मींस जो आपका क्या है, टर्मिनल पॉइंट पे है, ठीक है। मियर मींस वैसी ग्रेन्यूल, जो ग्रेन्यूल कहां प्रेजेंट है, टर्मिनल पॉइंट पर, उसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर। अब काम क्या है टीलोमियर का, अगर ये टीलोमियर नहीं होता यहां पर, मान लो इस पॉइंट पर, तो ये जो डीएनए है यहां पर बेस पेयर खुला रह जाता, इसका काम क्या, इसको सील करता, बंद कर देता ऐसे, किससे, प्रोटीन से, ठीक है ना। तो अगर ये टीलोमियर नहीं है तो ये खुला रहना था, और यहां कोई और बॉडी पड़ी होती बेस पेयर तो इसके साथ अटैच होकर ऐसे लग जाना था, और कोई बॉडी आई तो ऐसे लग जाना था। तो ये इतना बड़ा क्रोमोसोम बनना था पॉलीटीन या लैम्ब्रश क्रोमोसोम में ये कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि वहां पर टीलोमियर नहीं है। ये क्या करता है, जो टर्मिनल पोर्शन है उसको सील करता, पैक कर लेता है, ताकि इसके साथ कोई बाहर वाला बेस पेयर ना लग सके। वो करने के लिए यहां क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, दैट इज एट हियर टोपो आइसोमरेज, ठीक है, या सॉरी टीलो आइसोमरेज, या टीलो आइसोमरेज बोलते हैं, जिसको क्या करता है, सील करने में हेल्प करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यहां पर भी क्या होता है, रिपीटेड पेयर होता है, कैसा, एक जैसे बेस पेयर वाला रिपीटेड पेयर होता है। दैट इज अबाउट टूडेज क्रोमोसोम पोर्शन, जो रह गया है I will deal with in next lecture and I will also take nucleosome. Thank you so much.